मांडर प्रखंड के कंजिया मरहटोली में 2015 7 अगस्त को डायन का आरोप लगाकर 5 महिलाओं की हत्याएं की गई थी। साढ़े 11 बजे आसपास अचानक से दरवाज़ा मतलब ढकेलने का आवाज़ सुनाई दिया, तो मैं उठी और मम्मी के रूम की तरफ जाने ही वाली थी कि सब कोई मतलब घर के अंदर आ गया था। मम्मी को बेड से खींचा तो मम्मी नीचे गिर गई। हम डेन विषय ही नहीं है, हमको जहाँ लेना है वहीं ले जाओ, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको मारो। तो भी मारते पीटते वो लोग अखड़ा तक ले गया। अखड़ा जा पहुंची, गर्दन में एकदम एक टांग यहाँ पास दिया, एक के बार में दिया। गांव पहुंचने पर पुलिस जब जीप से उतरी तो पूरा भीड़ पुलिस की तरफ आया, तो पुलिस तो हम दोनों बहनों को भी छोड़ के भाग गया। वीडियो बनाने के बाद में आली संस्था के लोगों को दिखाया और दो दिन बाद में पांचों परिवार से मिलकर के सारी परिस्थितियों की जानकारी लिए। मांडर थाना प्रभारी से बाकी लोगों को अरेस्ट करने के लिए आग्रह किए। 2013 में 50 केस, 2014 में 44 और 2015 में लगभग 30 केस दर्ज किए गए हैं। 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक सिवाय 32 लोगों के अरेस्टिंग के कुछ नहीं हो पाई है, तो इसी वजह से हम मिलकर वीडियो वॉलंटियर और आली की संस्था के लोग मिलकर के दबाव बना रहे हैं सरकार पर। न्यूज़पेपर में आ रहा था कि फर्स्ट ट्रैक्ट लागू होगा और 45 दिन में कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद में निर्मला दीदी लोग भी आई, वीडियो रिकॉर्डिंग सब की और आली संस्था वाले लोग को दिखलाए, तो वो लोग हम लोगों को बड़े अधिकारी से मिलाए, संपत मीना नाम है उनका। उनसे हम लोग मांग किए थे कि हम लोगों को मुआवजा, सुरक्षा और मुजरिम है अरेस्ट नहीं हुए हैं उनको पकड़ने के लिए। 90 दिन के अंदर नवंबर 2015 से सुनवाई शुरू हुई। केस कोर्ट में आया, उसके बाद से मैं लगातार इस केस में काम कर रही हूँ। जो भी उनको कानूनी सहायता है इसमें वो आली संस्था प्रदान कर रही है। ट्रायल है वो अभी भी बहुत धीमी प्रक्रिया से चल रही है। स्टेट को और ध्यान देने की ज़रूरत है कि विचारण को जल्दी ख़त्म किया जाए। और अभी तक क्या सफलताएं मिली हैं? जो अभी थे वो गिरफ्तार हुए हैं, समय से चार्जशीट लग गई थी। केस चलने के दौरान अंतरिम मुआवजा जो मिला है, हर विक्टिम के परिवार को 1,00,000 रुपया दिया गया। पहले का माहौल जो समय घटना घटी थी और अभी का में क्या फ़र्क आया है? पहले तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, अब तो उतना डर नहीं लगता है, लेकिन हल्का तो डर है क्योंकि रात में थोड़ा बाहर निकलने थोड़ा डर लगता है। किस चीज़ का डर लगता है? कहीं कोई आकर के मार देगा ऐसा। हम लोग अभी तक तो गांव में ही हैं, घर में ही हैं और गांव वालों से तो उतना बात नहीं होता है ठीक ढंग से। सब कुछ लोग ऐसे आते जाते बात करते हैं ऐसे, लेकिन ठीक ढंग से कोई नहीं बात करता है। काफ़ी प्रयास करने के बाद में आज उन्हें 1,00,000 का मुआवजा और आरोपी अरेस्ट हो गए। गांव में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मैं अधिकारियों, रांची स्टेट ऑफिस, आली के सदस्य सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग से यह बदलाव हुआ है। मैं निर्मला, रांची झारखंड से, इंडिया अनहर्ट के लिए।